स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और अभी ये देखेंगे हम स्ट्रेन एट ए पॉइंट, स्मॉल स्ट्रेन एट ए पॉइंट। इससे पहले ग्रीन लैग्रांजियन देखे थे और अभी हम लोग क्या देखेंगे, स्ट्रेन एट ए पॉइंट। स्ट्रेन एट ए पॉइंट में आप सीखेंगे कि कैसे निकालते हैं इसको। तो क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, क्वेश्चन आप इससे पहले वाला लेक्चर में देखे थे। क्वेश्चन एक कंटिन्यूम आइसोट्रॉपिक है, आइसोट्रॉपिक क्यों बोलता है ये भी जानना बहुत जरूरी है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। इफ द डिफॉर्म एज इट इज कैरेक्ट यूजिंग द डिफॉर्मेशन अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, वाई एक्सिस में दिया हुआ है, जेड एक्सिस में दिया हुआ है। ठीक, अब हमसे बोल रहा है कि फर्स्ट पार्ट तो मैंने कर लिया पिछले लेक्चर में। स्मॉल स्ट्रेन टेंसर एट द पॉइंट, कोई गिवन पॉइंट है उस पर स्ट्रेन कितना होगा, स्मॉल स्ट्रेन टेंसर पूछ रहा है। ठीक है, स्मॉल स्ट्रेस टेंसर का ये फॉर्मूला होता है, ये ग्रीन का है, ये पहले का था, ये है स्मॉल स्ट्रेन टेंसर। ठीक है, ई एक्स एक्स, ई एक्स वाई, ई एक्स जेड, वाई एक्स, वाई वाई, वाई जेड। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला है, बस इस ई एक्स एक्स निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे, ये हमारा निकल जाएगा। तो इसके बाद से पहले एक और समझ लेते हैं, इसको एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट कीजिए, वाई के साथ कीजिए, जेड के साथ कीजिए। इसको x के साथ, y के साथ, z के साथ, इसको भी x के साथ, y के साथ, z के साथ, उसको ये पॉइंट का वैल्यू है, ये पॉइंट पुट कर दीजिए उसमें, ये वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगा। ओके, उसके बाद इधर और स्मॉल स्ट्रेस टेंसर या इसी को इनफाइनाइट स्ट्रेन टेंसर बोलता है। तो जो वैल्यू निकालेंगे उसको ई एच एस कैसे निकालेंगे, ई एच एस निकालने का तरीका है बस सिंपली यू एक्स वाई ई एक्स को ई एक्स बोलते हैं, ई एक्स यू वाई को डेल यू वाई वाई डेल वाई को बोलते हैं, ई जेड जेड किसको बोलते हैं, डेल यू जेड वाई डेल जेड को बोलते हैं। ओके, ये वैल्यू आपने पहले ही निकाल रखा है, तो इसका वैल्यू माइनस टू, इसका वैल्यू माइनस फोर, इसका वैल्यू माइनस एट आ। ठीक है, अब जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो सिग्मा, मतलब स्ट्रेस स्ट्रेंथ ऐसे ई एक्स वाई, एक्स वाई कैसे निकालेंगे, देखिए वन बाई टू, देखिए वन बाई टू डेल यू वाई बाई डेल एक्स, यहाँ पे क्या है y है, तो y को यू वाई को एक बार x के साथ डिफ्रेंशिएट कीजिए, फिर यू एक्स को एक बार y के साथ डिफ्रेंशिएट कीजिए। इसी के अंदर है, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद क्या रखना है, अगर x है ना तो x के साथ डिफ्रेंशिएट, x y है तो y को एक बार x के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर y को एक बार x के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर x को ux को एक बार y के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे। ओके, सिमिलरली देखिए z x है तो एक बार u z को x के साथ डिफ्रेंशिएशन, फिर u x को z के साथ डिफ्रेंशिएशन, पार्शियली डिफ्रेंशिएशन ये। ओके, यू जेड को एक्स का डिफ्रेंसिएशन, यू एक्स को जेड के साथ डिफ्रेंसिएशन, उसी तरह यू यू सॉरी जेड है वाई जेड है ना, तो वन बाई टू यू वाई बाई जेड, फिर यू जेड बाई वाई, बस इसका वैल्यू आपको पहले निकाल चुके हैं यहाँ पे, ये सब वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, उसके बाद ये वैल्यू आ जाएगा, जितना वैल्यू आ गया उसको बस जितना वैल्यू ये आया है इसमें पुट कर दीजिए। तो ये ई एक्स एक्स का वैल्यू कितना है, माइनस टू, यहाँ माइनस टू पुट कीजिए, ये वैल्यू कितना होगा माइनस टू, फिर उसके बाद ई वाई का वैल्यू कितना है, यहाँ पे माइनस फोर, फिर उसके बाद कितना है इसका वैल्यू कितना है माइनस एट, इसका वैल्यू कितना है ई एक्स जेड, एक्स जेड का वैल्यू आया वन, यहाँ वन पुट कीजिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है यहाँ वन जाएगा, वाई जेड का वैल्यू कितना है, वाई जेड का वैल्यू जीरो है, ये जीरो वाई जीरो, यहाँ पे वन जीरो, और ये जो वैल्यू कितना है एक्स वाई का वैल्यू कितना है, एक्स वाई का वैल्यू टू, यहाँ पे टू, यहाँ पे टू, बस ये मैट्रिक्स बन गया, मैंने ऑलरेडी पहले वहाँ लिख पे लिख के रखा है, आप ये देख लीजिए एक बार।